आप लोग सोसाइटी में कैसे आए और मेहता अंकल आप घर में कैसे आए? हम लोग छुपते छुपते वो पैसेज में अंदर आए और देखा कि कंपाउंड में आप लोग बॉस के साथ क्रिकेट खेल रहे। बस 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 चलो भाई। थैंक यू। सो मेहता सर क्या कर रहे? घर जा रहा हूँ। ये सामने बॉस मिल गए तो क्या करूँ? एक काम करते, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, अगर रास्ता क्लियर दिखा तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले तुम चलो, तुम्हारे पीछे पीछे। ठीक। अरे बॉल, बहुत दिनों बाद खेलने से थोड़ा मिस हो गया, अगला बॉल डालो। उतरे, मतलब आप लोगों ने हमें क्रिकेट खेलते हुए देखा था? हाँ बेटा। फिर आप दोनों ने क्या किया? हम तो बस एक ही काम कर सकते थे, भगवान से प्रार्थना। हे भगवान, अब यहाँ से घर तक पहुँचने का रास्ता आप ही बना सकते हैं। और आखिर भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली, भगवान ने बॉस से सिक्स मरवाई। सिक्सर, सिक्सर। बॉल तो आपको लाना पड़ेगा। मुझे लाना पड़ेगा क्यों? क्या है सोसाइटी का रूल है हमारे कि अगर आप कंपाउंड में बॉल मारते हैं ना तो फील्डर जाके लेके आएगा, लेकिन आपने बॉल अभी गार्डन में मारा है ना तो आपको ही जाके लेके आना पड़ेगा। कैसा कैसा रूल बना के रखता है तुम? जो आदमी बैटिंग करेगा वो बॉल लेकर आएगा क्या? ये करता रहेगा। और जैसे ही आप लोग मेरे बॉस के साथ बॉल को ढूंढने गार्डन में गए, मैं चुपचाप घर के अंदर आ गया। मतलब सब रास्ता क्लियर है, चलो चलो चलो। अरे चलो चलो, क्या मैं क्या करूँ आके? आप जाओ, मैं वापस जाता हूँ दुकान। जाओ जाओ जल्दी, जाओ जाओ जाओ। तो इस तरह से मैं जेठालाल की दुकान से अपने रूम तक पहुंचा। ओहो, वाकई भगवान ने आपको बचाया, वरना हम सब तो डर ही गए थे। हाँ मेहता साहब, हमें तो लगा कि आप घर में हो ही नहीं। अरे इसीलिए तो हम लोग बॉस को बेडरूम में जाने से रोक रहे थे। एक बात समझ में नहीं आई अंजलि भाभी, अगर मेहता साहब घर में थे तो आप क्यों इतने टेंशन में थे? क्योंकि ऐन वक्त पे इनकी बैंडेज की पट्टी नहीं मिल रही थी और मुझे डर था कि अगर बॉस ने इनके बिना पट्टी वाले पैर को देख लिया तो ये फिर से फंस जाएंगे। और जब मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने अंजलि का दुपट्टा अपने पैर पे बांध दिया और इसी तरह से मेरी बीवी के प्यार ने मुझे बचा लिया। मेहता साहब आखिर में अपने ही काम आते हैं। देखिए ना, आपने बॉस से झूठ बोलकर जेठालाल की मदद की और जेठालाल ने आपको यहाँ पहुंचाने में आपकी मदद की। नहीं नहीं, सिर्फ मैं नहीं, आज तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी ने मेहता सबको फंसने से बचाया है। इसलिए तो कहते हैं कि हमारी गोकुलधाम सिर्फ एक सोसाइटी नहीं, एक परिवार है। और एक ऐसा परिवार जो खुशियों में तो साथ रहता ही है लेकिन मुश्किल समय में कभी भी साथ नहीं छोड़ता। हाँ ये बात तो है। मेहता साहब, ये सब में ना आपको एक और फायदा हो गया। क्या फायदा? आपको 3 दिन की छुट्टी मिल गई। अरे हाँ मेहता साहब, तो अभी 2 दिन मस्त घर पे रह के एकदम आराम करना। हाँ ये तो बहुत अच्छा हो गया, अब 2 दिन में मैं मस्त आराम कर पाऊंगा। नहीं नहीं, आराम नहीं, अब 2 दिन की छुट्टी मिली है तो हम घूमने जाएंगे। अरे वाह, हाँ मैं तेज मंडल होते, ऐसा ही कीजिए अंजलि भाभी। तो चलिए इस खुशी के मौके पर मुंह मीठा हो जाए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी सबके लिए करेले का हलवा लाती हूँ। मजाक कर रही हूँ बाबा। तो ठीक है, तो हम सब गुलाब जामुन खाएंगे। बोल बेटा, सबके लिए गुलाब जामुन मंगा लो। अरे मंगवाने की क्या जरूरत है, मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं अंजलि भाभी, आप क्यों तकलीफ ले रहे? बोली बेटा मंगा लो। अभी तुरंत आ जाएगा गुलाब जामुन। तो मेहता साहब कहाँ घूमने का प्लान है? अभी तो कुछ पता नहीं, लेकिन ये तो हम लोग रात को डिसाइड करेंगे और कल सुबह होते ही घूमने निकल जाएंगे। और एक बात है, अब 2 दिन तक के लिए उस बॉस के लिए कोई काम नहीं करूंगा, बस इस बॉस के साथ एंजॉय करूंगा। सर सर, अरे जानी आओ आओ। सर हाउ वाज योर मीटिंग? मीटिंग वाज हेक्टिक बट फाइन। ओके सर,
सर मेहता सर अभी कैसे हैं? अच्छा है, देखा मैंने उसको, वाकई उसकी टांग पे मोच आया और मुझे देखकर ना खुश हो गया बेचारा। मैंने कहा था ना सर, आपको उन्हें देखने जाना चाहिए। मुझे भी अच्छा लगा मैत्य को मिलकर, पर मैत्य की सोसाइटी के लोग बड़े अजीब हैं, अजीब गरीब रूल बना के बैठे हैं भाई। मुझे सोडा पिलाया, फिर मुझे समोसा खिलाया, कचौड़ी खिलाया, क्रिकेट तक खिलाया, लेकिन अल्टीमेटली मैं मैत्य को मिला और उसको मिलके मुझे बड़ा अच्छा लगा। ओके भाई, देखो मैत्य हमारी कंपनी के लिए काम करता है, हमारा एम्प्लॉय है, और अपने एम्प्लॉय का ख्याल रखना एम्प्लॉयर का कर्तव्य है, फर्ज है, वो आज मैंने पूरा किया ना, वेरी हैप्पी अबाउट इट। सर आपको पता है, आज आप मेहता सर से मिलने गए तो ऑफिस में सबके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई। रियली? यस सर, आप अपने एम्प्लॉय को परिवार जैसे जो रखते हो। वो तो है। थैंक यू सर, यू आर सच अ गुड बॉस। आई एम हम्बल्ड, आई एम रियली हम्बल्ड। अच्छा अच्छा जैनी, वो जो मैंने बोला था ना कि फाइलों का लॉट तैयार करके रखो, वो रेडी कर दो लॉट। वैसे आज मैंने मैत्य के घर पे जाके एक काम तो बड़ा अच्छा किया। आज के बाद हमारी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय जब बीमारी का बहाना करके घर पे बैठेगा ना, उसके मन में डर के पटाखे फूटते रहेंगे, कहीं बॉस ना आ जावे, कहीं बॉस ना आ जावे। वाह वाह गुल्ली बेटा, क्या गुलाब जामुन मंगाए। अंजलि, मैं दो दिन तक इसी तरह से मसालेदार खाना खाऊंगा और मिठाई खाऊंगा। दो दिन आपको ऑफिस की छुट्टी है, डाइट फूड से नहीं। अंजलि, हम वहाँ घूमने जाएंगे तो मैं डाइट फूड खाऊंगा क्या? Oh, come on, अंजलि भाभी, जब बाहर जाएंगे तो बाहर के खाने का मजा लेना चाहिए। सही बात है। ठीक है, हम लोग इतने टाइम बाद बाहर जा रहे हैं तो डाइट फूड से भी छुट्टी। थैंक यू अंजलि, आई लव यू सो मच। भाई इस मोच ने तो बहुत मौज करवा दी, एक साथ दो दो छुट्टी मिल गई, ऑफिस के काम से भी छुट्टी मिल गई और डाइट फूड से भी छुट्टी मिल गई। बोलो। ता साहब, कहीं आपके बॉस वापस तो नहीं आ गए? हाँ भाई, मेरे बॉस का कोई भरोसा नहीं है, आ सकते हैं। तारा का पहले जल्दी से अंदर जाइए, दुपट्टा बांधिए। हाँ, मुझे भी छुपना पड़ेगा। हाँ, चलो चलो चलो। अब मैं देखती हूँ। हाँ जाइए जाइए। कोई अनजान आदमी है, अब मैं देखती हूँ। जी मैं तारक मेहता जी के बॉस का ड्राइवर। ओह अच्छा अच्छा। वो हमारे सोसाइटी के लोग तारक का हालचाल पूछने आए हैं। अच्छा अच्छा। कुछ काम था आपको? जी वो मैं ये फाइल देने आया था, आप मेहता सर को बोलिएगा कि ये फाइल खोल के देख ले, बॉस ने कहा। लाइए मैं उन्हें दे दूंगी। थैंक यू। तारक आ जाइए। कौन था? कौन था? आपके बॉस के ड्राइवर थे, उन्होंने ये फाइल भेजी आपके लिए। मैत्य, मुझे पता है तू दो दिन ऑफिस को बहुत मिस करेगा, तू घर बैठे बैठे कहीं बोर ना हो जाए, इसलिए थोड़ा काम किया है। ये फाइलें आज रात तक चेक कर देना, कल सुबह दूसरा फाइलों का लॉट भिजवा देना। जब तक तू लौट के आता है तू लगा जाए। अरे बॉस ने बोला है कि दो दिन तक घर से ही ऑफिस का काम करना पड़ेगा। तो मतलब अब हम घूमने नहीं जाएंगे? नहीं अंजलि, नहीं जा पाएंगे, अब यही काम करना पड़ेगा। अरे देखा, ये होती है नौकरी करने वाले की जिंदगी, हम दो पल बिना काम के रहे ना, बॉस को अच्छा नहीं लगता। ये तो गलत बात है मेहता साहब, अब नकारात्मक मत सोचो भाई, हकारात्मक सोचो। अरे जेठालाल, हकारात्मक नहीं होता है, सकारात्मक होता है। हाँ सकारात्मक, और सकारात्मक ये कि एक तो आपकी नौकरी बच गई और दूसरा पूरे दो दिन आपको अंजलि भाभी के साथ समय बिताने का समय मिल गया। हाँ जेठालाल, ये बात तो सच है,
लेकिन ये सब कुछ मुमकिन हुआ है मेरे गोकुलधाम परिवार की वजह से। इसलिए गोकुलधाम सोसाइटी चा अंजलि, ईश्वर के दरबार में झूठ बोलने की सजा तो मिलती ही है। सजा? और नहीं तो क्या, ये देखो ऑफिस से ज्यादा काम बॉस ने घर पे भेज दिया। आप चिंता क्यों करते हैं, मैं आपकी मदद करूंगी ना। कैसे? आपका ख्याल रख के। अच्छा, वो कैसे? ये लीजिए, पालक का जूस पी लीजिए। देखो अंजलि, ये चीटिंग है। हमारी बात हुई थी और तुमने हाँ भी बोला था कि 3 दिन तक डाइट फूड से छुट्टी। आप शायद भूल रहे हैं, हमारी बात ये हुई थी कि अगर हम छुट्टी पर जाते हैं तो 3 दिन तक डाइट फूड से छुट्टी। अंजलि, बॉस ने इतना काम दिया है, घूमने कैसे जा सकते हैं? हाँ तो ठीक है, नहीं जाते हैं छुट्टी पर। आप आराम से अपना काम कीजिए और मैं अपना काम करती हूँ। तारक, ये फाइल देख देख कर जब आपकी आंखें थक जाएगी ना, तो ये पालक का जूस ही आपकी आंखों को राहत देगा। चलिए जल्दी से पी लीजिए। इससे अच्छा तो ऑफिस ही क्या होता। क्या क्या कहा आपने? कुछ नहीं कुछ नहीं। अंजलि, अंजलि मेरी प्यारी अंजलि, मेरी आंखों का ख्याल रख के तुम अपना ही तो ख्याल रख रही हो। कैसे? क्योंकि मेरी आंखों में तो तुम ही बसती हो। अच्छा। हाँ, मेरी सेहत ये पालक करेले और दूधी के जूस से नहीं, हमारा चेहरा देखकर सही हो जाती है। इसलिए अगले 3 दिन तक तारक मेहता सिर्फ अंजलि को ही देखेगा। फाइल देखकर ये थकी हुई आंखें जब तुम्हें देखेगी, सारी थकान दूर हो जाएगी। सच? शत प्रतिशत। अरे मैंने तुम्हारे लिए कविता भी लिखी है। अच्छा, सुनाइए ना। जिंदगी भी तुम, बंदगी भी तुम, मेरे किस्मत का ताला खोल दे वो चाबी भी तुम, खुशियाँ भी तुम, सांसें भी तुम, मेरे दिल को जो धड़काए वो धड़कन हो तुम। वाह, क्या बात है, how sweet, I love you too. अच्छा, जाओ जाकर एक मसालेदार चाय बनाकर लेके आओ, जाओ जाओ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? अरे आप मुझसे इतना प्यार करते हैं, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना कि मैं आपकी सेहत का ख्याल रखूं। लीजिए, फटाफट पी लीजिए। अंजलि, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं पी लेता हूँ। हाँ हाँ हाँ, जब तक आप पीते नहीं मैं यहीं खड़े रहूंगी। बस। वेरी गुड, अब आप आराम से काम कर लीजिए, मैं थोड़ी देर में आपके लिए मसालेदार चाय लेकर आती हूँ। सच? शत प्रतिशत। फिर तो मजा आ जाएगा अंजलि। वैसे भी अंजलि, आज के दिन में कितनी चीजें हुई, जेठालाल ने मेरे लिए कितना कुछ किया, तुमने मेरे लिए भगवान से प्रार्थना की, और हमारे गोकुलधाम वासी सबने कितनी मदद की मेरी ना। सच कह रहे हैं आप, आपका बॉस से पहले घर पर आना और आपकी नौकरी बचने का सारा श्रेय हमारे गोकुलधाम परिवार को ही जाता है। हाँ, इसलिए तो मैं कहता हूँ, गोकुलधाम हमारा प्यारा परिवार भोला और नेक है, आफत छू नहीं सकती हमें क्योंकि हम सब एक हैं। कुछ भी कहो माधवी, जब भी गोकुलधाम में मुसीबत आती है हम सब गोकुलधाम वासी एक हो ही जाते हैं। अरे हमारी एकता की वजह से तो मेहता साहब बच गए आज। हाँ कैसे ना, सबने साथ मिलकर एक दूसरे की मदद की, वरना मेहता साहब का बचना तो मुश्किल ही था आज। ओ मौका है, पर मुश्किलों में सबका साथ, यही तो हमारे गोकुलधाम की पहचान है, नहीं का? और कड़क मसालेदार चाय तुम्हारे हाथों की पहचान है। एक चाय हो जाए। मंजका है नक्की आंटी आंटी। अरे हाँ, अदरक और पुदीना दीजिए। अदरक पुदीना? आपको बोला था ना आते वक्त लेके आइए, भूल गए आप? नहीं नहीं, लाया हूँ, एक्चुअली वो थैली में और थैली सखरम में, और माधवी मैं भी थक गया हूँ, मैं भी नीचे नहीं जाऊंगा, तुम ऐसी चाय बना दो। आप थक गए हैं तो आप आराम कीजिए, मैं थैली लेकर आती हूँ। अरे वाह, सो स्वीट ऑफ यू माधवी। बसा बसा मैं आता आले। ठीक है। भाई क्या हुआ माधवी भाभी, आप क्या ढूंढ रहे हैं? सखरम हमारा कहाँ गया?
रंगाराम तो भिड़े मास्टर लेके गया होगा ना? नहीं नहीं, वो तो घर पे है। है? तो फिर सकाराम कहाँ गया? एक मिनट, आहो 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 आहो, माधवी की आवाज, भिड़े मास्टर, आहो। अब बोल माधवी, ये सकाराम कहाँ है? वही तो पूछने के लिए मैंने बाहर बुलाया आपको, कहाँ गया सकाराम? हाँ भेड़े मास्टर, तुम्हें नहीं पता सकाराम कहाँ है? नहीं तुम्हारा ये मेहता साहब के बॉस के चक्कर में सकाराम के बारे में याद ही नहीं रहा। केला कुट, मैं आ रहा हूँ नीचे। कमाल है, भेड़े मास्टर को नहीं पता सकाराम कहाँ है? माली भाभी, ये तो बहुत अजीब बात हो गई। सकाराम कहाँ गया? अरे बार बार मुझसे क्या पूछ रहे हो, मैं थोड़ी सकाराम चलाता हूँ। सकाराम गया कहाँ? फिर से? अरे आपको नहीं पूछ रहा हूँ आती भाई, अपने आप से पूछ रहा हूँ। आप डिलीवरी करने गए थे, वहाँ तो नहीं भूल के आ गए? वहाँ पे कैसे भूल सकता हूँ माधवी, वहाँ से मैं लेके निकला था सकाराम को। तो फिर कहीं रास्ते में तो नहीं छोड़ा है? तो अदरक तो बिना लेने गए थे ना, वहाँ तो नहीं भूल के आ गए? माधवी, सखाराम को मैं कहीं भी भूल के भी नहीं भूल सकता। तो फिर कहाँ जा सकता है सखाराम? आप ना शांति से याद कीजिए कि आप रास्ते में कहाँ कहाँ रुके थे। मैं कस्टमर के यहाँ से निकला और फिर मैं अदरक पुदीना लेने के लिए रुका, फिर वहां से मैं निकला और फिर मैं ये सब क्या है? अच्छा सामान है। इसमें क्या माधवी भाभी? अरे भिड़े मास्टर, अरे भिड़े मास्टर फिर क्या? अरे रुको, दवा भिड़ भाई। अरे अब्दुल, तुमने मेरे यहाँ क्यों आए? बताता भिड़े मास्टर, भिड़े मास्टर तुम यहाँ क्यों आए? हाँ बता रहा हूँ, पहले पूछने तो दो। अब्दुल, तुमने मेरे सकरम को देखा? हाँ बहुत बार। आप ये पूछने के लिए आए हो? अरे वैसे नहीं अब्दुल, तुमने मेरे सकरम को यहाँ पे देखा? हाँ यहाँ भी देखा, बहुत बार आते जाते। अहो क्या पूछ रहे हैं आप? अब्दुल, जब मैं अंदर गया था तब तुमने सकरम को यहाँ पे देखा? हाँ भिड़े भाई, जब आप अंदर होगे तो सकरम भी अंदर ही होगा ना। अरे जब मैं मेहता साहब के बॉस के पीछे भागा था तो सकरम यहीं पे रह गया था। अब सकरम को यही भूल गए थे? अरे सिर्फ सकरम को नहीं माधवी, सकरम की चाबी भी सकरम पे ही छोड़ के आया मैं। या क्या कल्याण, चाबी भी छोड़ के आए आप? अरे वो मेहता साहब के बॉस के पीछे भागना था मुझे माधवी, तो हड़बड़ी में चाबी और सकरम यहीं पे भूल गया मैं। अरे बापरे, पर अभी तो यहाँ सकरम नहीं है। हाँ तो गया कहाँ सकरम? अब्दुल भिड़े भाई, जब मैं अंदर आया तब सकाराम यही था। अच्छा, और जब तुम वापस आए तब? तब नहीं था शायद। अरे शायद नहीं अब्दुल, कंफर्म बताओ। एक मिनट, एक मिनट, मैं यहाँ से ऐसे आ रहा था, पक्का यहाँ सकाराम नहीं था। क्या तो सकरम गया कहाँ? अरे भाई साहब, तुम तो यही रहते हो, तुमने मेरे सकरम को देखा यहाँ पे पार्क किया हुआ? भिड़े भाई, मैं काम के वक्त यहाँ वहाँ नहीं देखता, काम के वक्त सिर्फ काम, और मेरा काम तो नीचे देखने का है, अगर मैं ऊपर देखूंगा तो मेरे कपड़े जल जाएंगे, और आज तो इतने सारे कपड़े इस्त्री करने कि ऊपर देखने का वक्त ही नहीं मिला मुझे। अरे तो कहाँ गया मेरा सकाराम, अभी किसको पता होगा? भिड़े मास्टर, लास्ट में मेहता साहब और जेठा भाई आए थे, तो उनको पता होगा। हाँ मेहता साहब को पूछता हूँ। मेहता साहब, दोस्तों गोकुल धाम सोसाइटी का नाम हंगामा धाम सोसाइटी होना चाहिए था। बॉस नाम की आफत से छुटकारा मिला नहीं था कि एक नई आफत सोसाइटी के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। जी हाँ, भिड़े का सखाराम सोसाइटी के गेट से गायब हो गया है। मेरे बॉस को संभालने के चक्कर में पता नहीं भिड़े उसे वहां भूल कैसे गया। कहां होगा सखाराम? क्या उसे कोई ले गया? और ले गया तो कहां ले गया? दोस्तों
अब ये तो जानते हैं कि भिड़े और सखाराम के बीच में रिश्ता कितना गहरा है। सखाराम भिड़े के भाई जैसा है। मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, क्योंकि सखाराम का भिड़े की जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व है, और अगर सखाराम नहीं मिला तो भिड़े सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी को ही नहीं बल्कि पूरे शहर को अपने सर पर उठा लेगा। पता नहीं दोस्तों सखाराम किस हाल में होगा, क्या वो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो भिड़े का क्या हाल होगा और भिड़े बाकी सबका क्या हाल करेगा, ये सब जानने के लिए और हंसी और ठाकों में लोटपोट होने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।